नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना में गुरुवार को संगमित्रा एक्सप्रेस स्लीपर कोच के शौचालय के अंदर एक शव मिला। अज्ञात मृतक जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस घटना से यात्रियों और रेलवे अधिकारियों के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले का खुलासा एक यात्री द्वारा किया गया था, जिसने टॉयलेट में प्रवेश किया और निर्जीव शरीर पर ठोकर खाई। व्यक्ति ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों को सतर्क किया, जिन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया दी और जांच उद्देश्यों के लिए क्षेत्र को बंद कर दिया। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलते ही वे घटना के आसपास की परिस्थितियों की जहन जांच शुरू करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। खबर फैलते ही पूरे स्टेशन में तनाव और बेचैनी का माहौल फैल गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। आज नागपूर रेलवे पोलीस स्टेशन येथे आमच्या डीवायसेसकडून एक मेमो प्राप्त झाला की संगमित्रा एक्सप्रेसमध्ये एक SLR कोचमध्ये टॉयलेटमध्ये एक व्यक्ती पडलेला आहे, कदाचित मयत असावा अशी माहिती होती। म्हणून आम्ही तत्काळ आमच्या सर्व पोलीस अंमलदारांसह त्या गाडीला भेट दिली संगमित्रा एक्सप्रेसला। तर प्लॅटफॉर्मवर आल्यानंतर त्या टॉयलेटच्या बाजूला प्रचंड गर्दी होती, जवळपास 60-70 लोक तिथे होते आणि आतून दरवाजा बंद केलेला होता टॉयलेटचा, त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाच्या मदतीने तो दरवाजा तोडण्यात आला। तर तिथे एक व्यक्ती मयत अवस्थेत मिळून आला, त्याचं वय साधारण 37 वर्ष आहे। जेव्हा इन्क्वेस्ट पंचनाम्यादरम्यान त्यांची बॉडी पूर्ण चेक केली तर बॉडीमध्ये एक आधार कार्ड मिळालेलं आहे। आधार कार्डवर त्यांचं नाव रामसेवक भुईया उसुरंभा आम्ही लवना औरंगाबाद जिल्हा बिहार येथील तो रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे। आणि ही जी संगमित्रा एक्सप्रेस आहे ती बेंगलोरवरून दानापूर बिहार येथे जात असते। बरेचसे बिहारचे मजदूर लोक साऊथला जाऊन कामं करतात आणि आता कदाचित उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये बरेचसे लोक आपल्या मूळगावी जातात आणि त्यामुळे ट्रॅव्हलिंग दरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे। अकस्मात मृत्यू आम्ही दाखल केलेला आहे आणि पुढील आणखी तपास करत आहोत, मयताच्या नातेवाईकाचा शोध घेत आहोत। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।